जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमारी कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम इक्वेट कर दे किसके साथ? जीरो के साथ। अभी क्या होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax² + bx + c = 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वेयर द पॉलिनोमियल इज px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। So, ax² plus bx plus c is equals to 0 and a not equals to 0 is called the standard form of the quadratic equation. मैं इसको क्या बोलूंगा? Standard form of the quadratic equation. बच्चे याद रखना, एक जो भी quadratic equation होती है उसकी degree कितनी होती है आपकी? 2 होती है। Degree क्या होती है? Highest power of the equation. अब highest power इसका मतलब 2 से ज्यादा वाली इसके अंदर नहीं हो सकते। b भी जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है। जैसे x² इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि 3 जीरो हो जाए तो हमारी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ये जीरो हो जाए तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। लेकिन जब x² जीरो हो जाएगा तो ये आपकी लीनियर बच गई, बच्चे क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। इसका मतलब आपका a जीरो नहीं हो सकता इसका। ठीक है, यहां पे x² प्लस 2x आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपकी एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें चेक करना है कि हमें इक्वेशंस गिवन है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपको 9th क्लास में बताया था a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता था आपका? a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां पे लगा देंगे बच्चे, तो आपका क्या आएगा? x² प्लस 1² प्लस 2x इज इक्वल टू 2x और 2 3 जा माइनस 6। ठीक है, यहां पे x² प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2x। अब इन दोनों को इस साइड लेके आता हूं तो माइनस 2x और यह का माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस 6 हो जाएगा इस साइड आके, तो यहां से 2x से 2x कैंसिल, तो x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या इसके अंदर स्क्वायर प्रेजेंट है? यस, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख देंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब चलता हूं नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है? सेकंड पार्ट हमें ऐसे ही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। x² - 2x इज इक्वल टू - 2 * 3 - x। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना बच्चे, मल्टीप्लाई करनी है और सिंप्लीफाई करना है। यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब का माइनस 6, यहां पे माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इस साइड लेके आता हूं तो इस x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां पे x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इसके अंदर x² प्रेजेंट है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलता हूं थर्ड पार्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन मुझे, x - 2 * x + 1 = x - 1 x प्लस 3। ठीक है, यहां पे सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करता हूं, x के साथ करेंगे तो x², x की इसके साथ करूंगा तो ये x माइनस 2x माइनस 2, इस साइड भी करूंगा x की x के साथ x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, अब इनको पहले इनको सोल्व करता हूं, ये आपका माइनस x माइनस 2, इस साइड लेके आता हूं तो बच्चे पहले इनको सोल्व करेंगे तो 3x माइनस x 2x। ठीक है, इस साइड लेके आएगी तो माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x² प्लस का x² माइनस का कैंसिल, यहां पे माइनस का 3x और यहां पे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या x² प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। ठीक है, उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट,
फोर्थ पार्ट सिमिलर, फिफ्थ पार्ट सिमिलर, अब चलता हूं मैं सीधा सेवंथ पार्ट पे, किसके ऊपर, सेवंथ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेवंथ पार्ट, एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमें चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको पता है बच्चे ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता था आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता था। अब यहां पे अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री एक्स इंटू टू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे सोल्व करता हूं तो आपका टू एक्स क्यूब, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस टू एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को इस साइड लेके आता हूं, पहले तो सोल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस एट यहां पे थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर, यहां पे ये फोर हो जाएगा तो प्लस ट्वेल्व एक्स, यहां पे इस साइड लेके आता हूं माइनस टू एक्स क्यूब और ये माइनस का टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंपल। अब सोल्व करेंगे तो आपका एक्स क्यूब से एक माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा बच्चे, क्या बच जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये 12x माइनस 2x प्लस 10x, यहां पे प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। इसके अंदर तो बच्चे 3 पावर वाला प्रेजेंट है, 2 वाला है लेकिन 3 वाला, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई आपकी, क्वाड्रेटिक तो नहीं हुई, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिचुएशंस दी गई हैं, हमें उनको किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कितना है आपका 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट यही होता है बच्चे, इसके अंदर क्या होती है आपकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट ब्रेथ इज आपकी, मैंने एक्स लेट कर ली, ठीक है। अगर कंडीशन गिवन है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, कहता है लेंथ लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस मतलब टू एक्स से वन ज्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कहता है एरिया लेंथ इन टू ब्रेथ इज इक्वल टू 5 to 8, लेंथ की आपके पास क्या है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ के आपके पास x इज इक्वल टू 5 to 8, सोल्व करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक सिचुएशन है, आपकी क्या होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, इसके अंदर a क्या है आपका 2, b क्या है आपका 1 और c क्या है आपका माइनस 5 to 8, ठीक है। तो आपकी ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है बच्चे क्वाड्रेटिक सिचुएशन में, और सेकंड एक्सरसाइज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। हमें गिवन है टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट गिवन है बच्चे, तो लेट फर्स्ट नंबर आपका एक्स ले लिया बच्चे। कंजुगेटिव कैसे होते हैं, वन वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, तो ऐसे ही हमारा एक्स है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गिवन है हमें, फर्स्ट नंबर मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना गिवन है 306, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ठीक है। अब आपका देखेंगे ये क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहां पे ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, बी की वैल्यू कितनी है ये भी 1, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 306, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक सिचुएशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही बच्चे, कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। अब लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स एज एक्स ईयर, रोहन्स मदर एज
एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको कि थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ आज से तीन साल बाद रोहन की क्या हो जाएगी बच्चे एक्स प्लस 3 और मदर की कितनी हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 26 प्लस 3 जबकि हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर। ठीक है अब कहता है दोनों की प्रोडक्ट गिवन है हमें 360 कितनी गिवन है 360 तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 अब मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे एक्स के ठीक है यहां पे एक्स के 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87 360 इस साइड लेके आता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 ये आपका 32x और यहां पे 360 माइनस 87 10 3 हो जाएगा ये आपका 16 वन कैरी तो 7 और ये आपका 2 ये आपका आ जाएगा इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 273 इक्वल्स टू 0 ये आपकी ये क्या आ गई क्वाड्रेटिक सिचुएशन आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका थर्ड पार्ट था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है अब डिस्टेंस हमें गिवन है क्या गिवन है डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है उसके बाद आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम यहां से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ठीक है ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे ये रिलेशन यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है लेट कर लेता हूं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है सो टाइम टेकन बाय ट्रेन तब क्या होता था बच्चे डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 480 डिस्टेंस है स्पीड आपकी एक्स है। ठीक है तो ये टी वन लेट किया मैंने टी वन टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है अब कहता है नेक्स्ट आफ्टर चेंजिंग द स्पीड स्पीड चेंज कर दी बच्चे स्पीड कितनी हो गई आपकी स्पीड हो गई एक्स ये हमने लेस कर दी 8 किलोमीटर तो एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर सो टाइम टेकन टी टू इज इक्वल टू टाइम कितना हो बच्चे डिस्टेंस तो सेम आपकी 480 बाई स्पीड आपकी एक्स माइनस 8 हो गई। अब कहता है कि जब स्पीड चेंज करने के बाद 3 आवर्स मोर लगे बच्चे इसका मतलब टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू 3 अब पुट करेंगे दोनों टी टू की वैल्यू 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू आपको 3 गिवन है। ठीक है अब ऊपर चलता हूं कैसे करेंगे सेम कुछ नहीं इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है आपका देखो दोनों के अंदर से 480 कॉमन आ रहा है मैंने 480 बाहर ले लिया। ठीक है यहां पे 1 बाई एक्स माइनस 8 यहां पे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है आपका। ठीक है सिंपल अब कुछ नहीं करेंगे आपका एलसीएम ले लेंगे क्या ले लेंगे एलसीएम एलसीएम लेंगे तो आपका यहां पे एलसीएम क्या आएगा 480 और यहां पे आपका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 अब सिंपल x इस साइड जाके मल्टीप्लाई और x माइनस 8 इस साइड जाके मल्टीप्लाई यहां मल्टीप्लाई होगा और इज इक्वल टू आपका 3 है 3 से कैंसिल करता हूं 3 वन जा 3 3 आपका 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। ठीक है यहां पे देखेंगे बच्चे इसको ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये आपका ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है एक्स से एक्स कैंसिल यहां पे 160 इंटू 8 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू आपका 1 अब सिंपल कुछ नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चे ये साइड जाएगा 16 8 जा क्या होता है आपका 128 होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है यहां पे इस साइड लेके आता हूं इस साइड लेके जाता हूं क्या हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा उस साइड जाके। ठीक है यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ पे क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक सिचुएशन आ गई ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 थी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। थैंक यू।